जब से इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है तब से नई नई चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है। हर घटना जो हमारे आसपास होती है उसे इंसान समझने की कोशिश करता है, जिनमें से कुछ समझ में आती हैं और कुछ नहीं भी। और पिछले 50 सालों में इन घटनाओं को समझने की कोशिश इंसान कुछ ज़्यादा ही करने लगा है। पिछले 50 सालों में इंसान ने सौरमंडल के हर ग्रह पर जाने की कोशिश की है। आज हम वीनस पर लैंड कर चुके हैं जो हद से ज़्यादा गर्म है। आज हम शनि ग्रह के मून टाइटन पर भी लैंड कर चुके हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ तक हम एस्ट्रॉइड की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी लैंड कर चुके हैं। लेकिन इन सब लैंडिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल लैंडिंग है मार्स यानी मंगल ग्रह की, क्योंकि हमने अब तक मार्स पर लैंड कराने के लिए जितने भी मिशन किए हैं उनमें से सिर्फ 40% मिशन ही सफल हो पाए हैं। अब इसे सुनकर दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, ना मंगल टाइटन की तरह दूर है ना वीनस की तरह गर्म है, यहाँ तक उसकी सरफेस भी बिल्कुल समतल है, तो मंगल ग्रह पर लैंड करने में हमें तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। वेल, वो चीज़ आपको दिखाई देगी भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी समस्या है जिसे हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ है एटमॉस्फेयर या वातावरण। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्यों मंगल ग्रह पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, और वीडियो के लास्ट में आपको यह भी पता चलेगा कि अगर सच में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल काम है तो नासा जैसी स्पेस एजेंसीज ने इसे कैसे कर लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारी धरती से 100 गुना पतला है। एटमॉस्फेयर पतला होने के कारण वो पैराशूट के प्रभाव को बहुत ही कम कर देता है। अगर आप वहाँ पैराशूट लेकर किसी ऊंची जगह से छलांग लगाओगे तो आपकी नीचे आने की स्पीड उतनी कम नहीं हो पाएगी जितनी धरती पर हो जाती है। जैसे अगर आप धरती पर किसी प्लेन से पैराशूट लेकर कूद जाते हो तो जमीन पर आते आते पैराशूट आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कर देगा। लेकिन अगर आप वही पैराशूट लेकर मंगल ग्रह पर छलांग लगाते हो तो वो आपकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं कर पाएगा। और 300 किलोमीटर पर आवर कितनी ज़्यादा स्पीड होती है आप खुद समझ सकते हो। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि पैराशूट की लंबाई बढ़ा दो। अगर हम पैराशूट की लंबाई को बढ़ा देंगे तो हम स्पीड को और कम कर सकते हैं। और असलियत में यही नासा ने 2012 में किया था जब उसने क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करवाया था। उस समय नासा ने बहुत बड़े सुपरसोनिक पैराशूट को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो पैराशूट भी स्पीड को उस हद तक कम नहीं कर सकता कि वो रोवर या हमारे यान की सेफ लैंडिंग करवा सके। क्योंकि अगर इंसान को मंगल पर सेफ लैंडिंग करनी है तो उसे धरती पर मौजूद पैराशूट का 10 गुना बड़ा पैराशूट काम में लेना होगा। तो अगर कोई इंसान वहाँ सुरक्षित उतरना चाहता है तो उसका पैराशूट 110 फीट का होना चाहिए। लेकिन ये तो एक इंसान के लिए है, जबकि रोवर जो नासा ने भेजा था वो इंसान के वजन का 13 गुना था। तो अगर इतनी भारी चीज़ को आप लैंड करवाना चाहते हो तो आपको उससे भी बड़ा पैराशूट चाहिए। उस रोवर को लैंड कराने के लिए लगभग 400 फीट चौड़ा पैराशूट चाहिए। अगर हम कोई ऐसा यान लेकर जाएं जो उससे भी बहुत ज़्यादा भारी हो तो पैराशूट का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने जिस पैराशूट से लैंडिंग की थी वो सिर्फ 70 फीट का था। वैसे भी हमारी धरती पर 150 फीट से बड़ा पैराशूट नहीं बना है। आज तक इंसान 150 फीट लंबा पैराशूट ही बना पाया है और उसका सफल परीक्षण कर पाया है, तो 400 फीट का पैराशूट हम कहां से लाएंगे? तो अब सवाल ये उठता है कि नासा ने सिर्फ 70 फीट के पैराशूट से सेफ लैंडिंग कैसे कर ली? दरअसल ये एक लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले उस रोवर को ऑर्बिट से एटमॉस्फेयर में लाया जाता है, उसके बाद एकदम सही वक्त पर पैराशूट को खोला जाता है। वो पैराशूट इतना बड़ा ही बनाया जाता है कि लैंडिंग के समय फट ना जाए और काम भी निकल जाए। पैराशूट को खोलने के बाद उसको उसका काम करने दिया जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि रोवर की स्पीड को कम से कम कर सके। हालांकि ये महज 250 किलोमीटर पर आवर तक ही कम कर पाता है। उसके बाद काम शुरू होता है रिट्रो रॉकेट का। ये रॉकेट उस रोवर के नीचे लगे होते हैं जो पैराशूट के काम होने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो रॉकेट स्पीड को बहुत कम कर देते हैं। हाँ, इनमें एक साथ बहुत सारा ईंधन जरूर लगता है, लेकिन वो स्पीड को उसके मिनिमम पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन स्पेस एजेंसीज इतने में संतुष्ट नहीं होती। वो किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए वो सीधे रोवर को लैंड ना कराकर पहले उसके चारों तरफ गुब्बारे जैसी चीज़ें लगा देती हैं, जिससे अगर वो रोवर मंगल ग्रह की सरफेस से टकरा भी जाए तो
तो वो पहले गुब्बारे उछलने लगते हैं और धीरे धीरे जब उछाल पूरी तरह बंद हो जाती है उसके बाद गुब्बारों से रोवर को निकाला जाता है। ये बहुत ही मुश्किल लैंडिंग है क्योंकि अगर इनमें से किसी भी एक स्टेप में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। अगर पैराशूट टाइम पर न खुला तो दिक्कत, अगर रिट्रो रॉकेट टाइम पर ऑन नहीं हुए तो दिक्कत। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मंगल पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। आज तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर लैंडिंग नहीं कर पाया है, चाहे वो नासा हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो। सबको अपने पहले मंगल लैंडिंग में नाकामयाबी का सामना करना पड़ा था। अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि हम मंगल ग्रह के पीछे ही क्यों पड़े हैं, क्यों हम अपने ज़्यादातर यान मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे चांद से ज़्यादा रोवर तो मंगल ग्रह पर घूम रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे तो इस पर एक और वीडियो बन सकता है, लेकिन इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मंगल हैबिटेबल जोन में है। मंगल हमारा दूसरा घर बनने की लगभग सारी शर्तों को पूरा करता है, तो उस नज़रिए से मंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है और हर एक नया सफल मिशन हमें मंगल के और ज़्यादा नज़दीक ले जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।